और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार का प्लान, रोजाना 22,000 सैंपल कलेक्शन एवं जांच का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगी कोरोना की जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, कोरोना के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार का प्लान, रोजाना 22,000 सैंपल कलेक्शन एवं जांच का लक्ष्य रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। कोरबा के रिद्धि चौक पेट्रोल पंप के पास रास्ता पार कर रहे व्यक्ति को एक अनियंत्रित हाईवे ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर वाहन छोड़कर भागने लगा, लेकिन मौके पर बस्तीवासी पहुंचकर ड्राइवर की जमकर खातिरदारी कर दी। मृत व्यक्ति कत्थर सिंह 45 वर्ष रिद्धि के कंवर बस्ती का रहने वाला है। मोहल्लेवासियों ने सड़क जाम कर 5 लाख रुपए मुआवजा, मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर मामले को शांत कराने में लगे हुए थे। तत्कालीन मुआवजा सहायता राशि मिलने पर ग्रामीण शांत हुए। हालांकि वाहन चालक गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। मौके पर परिजन आपस में चले गए। समझा की गई वस्तुति समान है। वाहन स्वामी के सहयोग के परिजनों को शांति का लाभ प्रदान किया गया। वाहन चालक पुलिस को कर दिया। बेलगना चौकी पुलिस ने मोटरसाइकिल में गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 10 किलो गांजा आरोपियों से बरामद किया गया। इसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। बेलगना चौकी प्रभारी दिनेश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बेलगना क्षेत्र के ग्राम तुलुफ में कुछ गांजा तस्करों द्वारा गांजा का अवैध परिवहन करने वाले हैं। सूचना पर चौकी प्रभारी सादीवर्दी में पुलिस गांजा परिवहन करने वाले दोनों आरोपियों के रास्ते में इंतजार करने लगे, तभी रास्ते से गुजरे तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनेश सिंह ध्रुवे और ओम प्रकाश ध्रुवे नाम के 2 व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से पेंड्रा की ओर से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते हुए आ रहे हैं। मुखबिर सूचना पर ग्राम तुलू के जंगल तुलू पिंग खोंगसरा मेन रोड पे रेड कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों आरोपियों को पकड़ा गया एवं उनके कब्जे से 10 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। 20 भी नारकोटिक्स एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। कोंडागांव जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीआर खुबर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोंडागांव के जिलाधीश पुष्पेंद्र कुमार मीणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विगत दिनों छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रुद्रगुरु के कोंडागांव दौरे के समय भी अनेकों अधिकारियों के साथ जिलाधीश महोदय बैठक में भी उपस्थित थे। कुछ ही दिनों पूर्व जिलाधीश का वाहन चालक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बलौर शहर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस कारण अब इसकी चपेट में नगर पालिका कार्यालय, पशुपालन विभाग एवं जनपद कार्यालय भी शामिल हो गया। इन कार्यालयों को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया। इसके साथ ही यहां बाजार कैसल भी परिवर्तित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बालोद शहर पर बुधवारी बाजार एवं नयापारा क्षेत्र से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। बालोद शहर जो कि सबसे सुरक्षित शहर माना जा रहा था, वहां का एक बड़ा हिस्सा कंटेनमेंट जोन में शामिल हो चुका है। हमारा कोविड सेंटर कल से शुरुआत हो चुका है, जिसमें हमने 12 मरीजों को एडमिट करके रखा है और हमारी क्षमता 50 मरीज रखने का है। ज़्यादा जांच होगा और लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि मैं मास्क लगाऊं,
हैंड वॉश करूं, डिस्टेंस बना के रखूं, तभी हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज हम खुद पे अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं करते, क्योंकि संख्या बढ़ेगी। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड और नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बाद कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगे अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक बालक छात्रावास को कसडोल कन्या 50 बिस्तरों वाला कोविड 19 अस्पताल बनाया गया। कसडोल कोविड केयर सेंटर में मरीजों का इलाज भी शुरू हो चुका है। 3 सितम्बर यानी कि देर रात कोरोना संकट द्वारा मरीजों को कोविड केयर सेंटर कसडोल में भर्ती कर इलाज जारी किया गया। तो पानी बरसत है तो जहले असोई गिर तो गिर पर इस रात में ज्यादा पानी वजह से घर गिर गई। रोज रोज पानी आने से नौमी हो गया, घर सिड़ गया एकदम। वही ये पटवारी थे वो कागजात जो है सब जमा। खबर सूरजपुर से है, जहां लगातार हुई बारिश के कारण सूरजपुर जिले के कई लोगों को कच्चे मकान ढह गए। शिवप्रसाद नगर और सोनपुरी सीमा में करीबन दर्जन भर मकान अतिवृष्टि की भेंट चढ़ने का मामला सामने आया। बारिश से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सूरजपुर शिवप्रसाद नगर के बसपतिया गिरधारी चमरू पार्वती का मकान अतिवृष्टि से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कई मकानों से बड़े बड़े दरारें आ गई हैं, जिसपे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर मतदान अभियान से बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवदासानी जुड़े। इस दौरान पहली बार बिलासपुर पहुंचे अभिनेता आफ्ताब शिवदासानी ने एक निजी होटल पर पत्रकारों से बातचीत की और बिलासपुर पुलिस के साइबर मतदान अभियान की तारीफ करते हुए साइबर क्राइम से बचने की टिप्स दिए। ज्यादा से ज्यादा मोबाइल ऐप के सावधानीपूर्वक ट्रांजेक्शन में उपयोग करने के साथ साथ जागरूक रहने की बात कही। उन्होंने इस तरह का कैंपेन इस तरह से आवाज उठाया साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के खिलाफ, जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज की तारीख में, क्योंकि हम लोग डिजिटाइज्ड एजेस में हम लोग जी रहे हैं, तो सारी चीजें डिजिटाइजेशन की तरफ ही जा रही है। तो अगर जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं, तो आम आदमी को ये समझाना और उनको ये एडुकेट करना बहुत जरूरी है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये जो मूवमेंट है साइबर मितान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। खबर भाटापारा से है, आजीविका बचाओ अभियान के तहत भाटापारा नगर पालिका के क्षेत्र में श्रम विभाग छत्तीसगढ़ के सदस्य सतीश अग्रवाल, जिलाध्यक्ष और संगठित कामगार मजदूर प्रकाश पकड़िया, कांग्रेस जिला बलौदाबाजार भाटापारा टेक सिंह ध्रुव ने छत्तीसगढ़ी भाषा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर आजीविका के लिए असंगठित कामगार मजदूरों के लिए जीवन यापन के लिए सभी के खाते में धन मुहैया कराने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी धमकी दी। मस्तूरी जनपद क्षेत्र में एक बार फिर उचित बोरी के राशन दुकान को चोरों ने निशाना बनाकर 68 बोरी चावल ले गए। पूरा मामला पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम खपरी का है, जहां चोरों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान को निशाना बनाया। घटना को रात में अंजाम दिया गया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और चावल को ले जा रहा वाहन गड्ढे में फंस गया। लोड को कम करने के लिए 40 बोरी को खाली कर दिया गया, फिर भी गाड़ी नहीं निकली और देखते ही देखते सुबह हो गई और चोर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। बुलोरो क्रमांक CG 13
Y2041 में अज्ञात चोर द्वारा ग्राम खपरी ओखर के सोसाइटी से चावल चोरी करके उसमें 68 बोरा चावल था जो चोरी करके लेके जा रहा था, जो गली में कीचड़ होने से पिकअप फंस गया। कोटा थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बेलगना अंतर्गत ग्राम केकरा खोली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में कराते हुए दिखा। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने डायल पुलिस 112 को दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान ग्राम नावदी निवासी जोहित मरावी पिता दयाराम मरावी उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई। सूचना मिली थी कि ग्राम नावाडी का जो हित मरावी पिता दया मरावी उम्र 21 वर्ष का व्यक्ति केकराडी रेलवे ट्रैक के पास में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर मार्ग निरीक्षण कायम कर जांच पे लिया गया। खबर कोरबा से है, जहां शराब के नशे में धुत एक शख्स ने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। नशे में आरोपी महिला पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। महिला के इंकार करने पर आरोपी समीर हिंडोरे हत्या कर लाश नीलगिरी जंगल के अंदर फेंक दी। घटना के बाद अकेले घर आकर खून से लगे कपड़ों को घर में छिपाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध सबूत जुटाकर आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 2 सितंबर 2020 को थाने में सूचना आया कि एक परिजनों द्वारा कि एक महिला का जो है निर्वस्त्र अवस्था में एक बॉडी मिला हुआ है। तस्दीक के लिए थाना प्रभारी दलवल के पास पहुंच गया। मैं भी क्योंकि ऑफिस में था तो मैं भी तुरंत पहुंच गया। घटना स्थल पर जाके देखे तो एक महिला की जो है सिर पर जो है घातक वार हुआ था और वो मतलब पेट के बल अचेत अवस्था में मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो प्रथम दृष्टि देखते ही समझ आ रहा था कि इसका जो है सर पर प्राणघातक हमला करने से इसकी मृत्यु हुई है। खबर बलरामपुर के है, जहां पर विकासखंड रामचंद्रपुर में ग्राम पंचायत लावा में नशे में दो व्यक्तियों ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर शव को दफना दिया, जिसकी सूचना 48 घंटे बाद विजयनगर पुलिस को मिली, जिसके बाद तत्काल चौकी प्रभारी विमोद पासवान के द्वारा पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को सूचना दी गई, जिनके निर्देश पर महिला के शव को कब्र से निकालकर डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं हत्या के आरोप में गांव के दो लोगों को विजयनगर पुलिस हिरासत में लेकर अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया है। था कि 2 तारीख को दोनों को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम लावा में एक महिला है फुलबसिया जो मर चुकी थी और उसको दफना दिया गया था, पर गांव वाले शंका जाता है, शंका पे जो है तत्काल मर्ग इंटीमेशन कायम किया कर एसपी महोदय और एसडीएम महोदय की सूचना तत्काल भेजी गई और तीमान तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में वहां पे शव का उत्खनन कराया गया। कुछ दिनों पूर्व जंगल में पैरों से चोटिल होकर भूखे प्यासे अचेत पिला घायल दंतैल अब स्वस्थ बताया जा रहा है। अब वह स्वयं से चारा पानी का सेवन करने की स्थिति में है। झुंड से अलग होकर घूम रहे लोनर हाथी की सेहत जानने बुधवार को बिलासपुर सीसीएफ मुख्य वन संरक्षण अनिल सोनी कटघोरा वन मंडल पहुंचे थे। दौरे में आए सीसीएफ ने हाथी के इलाज की जानकारी ली व क्षेत्र में वन रोपण कार्य का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि भाटापारा के युवा नेता मनमोहन कुर्रे के नेतृत्व में भाटापारा क्षेत्र के शासकीय शराब दुकानों में हो रही अनियमितता के विरोध में लगातार युवा धरना दे रहे थे। लंबे समय से पदस्थ आबकारी विभाग एवं प्लेसमेंट के कर्मचारियों के स्थानांतरण जैसे 6 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर बैठे थे, जिस पर से धरनास्थल में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एसडीएम की मौजूदगी में सभी 6 मांगों को मानते हुए लिखित में कागज उपलब्ध कराए। तत्पश्चात युवाओं ने अपना धरना समाप्त किया।
मांगे था, मुख्य मांगे वो ये था कि भाजपा शासन काल से जो विभागीय कर्मचारी जमे हुए थे और जो प्लेसमेंट एजेंसी में जो काम करने वाले कार्यरत सुपरवाइजर वगैरह थे, उन लोग को हटाने का मांग था, क्योंकि इससे राज्य सरकार जो है अभी वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका छवि धूमिल कर रहे थे। इसलिए हमने मांग रखा था और हमारी मांग को पूरी तरह से मान लिया गया है। भार मुक्त रिलीफ का कागज है और पूरा मांग पत्र छह को मान लिया गया, उसका कागज लिखित में दिए हैं। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन को आज समापन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के जो जितने भी पॉइंट थी जो है उसका हमने जो मान लिया है, जो कुछ तो पहले से है जो वो पालन कर दिया गया है, जो कुछ जो रह गया है उसको जो सप्ताह भर के अंदर में हम पूर्ति कर देंगे। जो वो छह सूत्री मांगे हैं उसमें दो तो रिपीट किया गया है, जो डबल है, जो है समझ गई। स्टाफ की कर्मचारियों को जो ट्रांसफर का है तो मैंने पहले कर चुका हूँ, जो उसको आज रिलीफ भी कर दिए। जो छत्तीसगढ़ के बोर्ड में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।